बच्चों, आज हम अर्थशास्त्र कक्षा 11वीं के अंतर्गत आंकड़ों का संगठन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने उसका संग्रहण और किस तरह से हम इकट्ठा करते हैं आंकड़े, ये सारी चीज़ के बारे में हमने देखा था। अब इसमें आंकड़े जो होते हैं हम इकट्ठे तो करते हैं, जिस तरह से एक कबाड़ी जो है कबाड़ इकट्ठे करता है और उसके बाद फिर सारी चीज़ें अलग अलग कर देता है, उसी तरह से हम आंकड़े तो इकट्ठे करते हैं, लेकिन जैसे कि इसमें कहा गया है कि अपरिष्कृत आंकड़े, तो इसके लिए क्या होगा? अपरिष्कृत मतलब एक अव्यवस्थित, ये अव्यवस्थित आंकड़े हैं, तो हम इनको व्यवस्थित करेंगे तभी हम इन आंकड़ों का अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ एक कबाड़ी वाले का भी उदाहरण दिया हुआ है। कबाड़ की बात ही जो है अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं, अपरिष्कृत आंकड़े होते हैं, जिसको कि हम व्यवस्थित करना, ये अव्यवस्थित आंकड़े जो होते हैं इनको हम अति विशाल होने के कारण इसको समझना बहुत ही कठिन होता है, संभालना बहुत कठिन होता है, क्योंकि ये व्यवस्थित नहीं होता है। इसके साथ साथ हम इन आंकड़ों का जो है उचित संगठन और प्रस्तुतिकरण आवश्यक होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो आंकड़ों का संग्रहण है उसको हम संगठित और वर्गीकृत रूप में भी उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे कि हम देखेंगे कि हम यदि देखेंगे कि एक स्कूल के 100 छात्रों के गणित के अंकों के आंकड़ों के एकत्रित कर लिए हैं, अब उसको हम किस तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे कि ये आंकड़े दिए हुए हैं, ये एक तरह से अव्यवस्थित है। अब इसमें 47 भी बार बार आया है, 45 भी बार बार आया हुआ है, तो हम इसको किस तरह से व्यवस्थित करेंगे ताकि हमको समझने में आसानी हो जाए। इसमें हम एक बार 47 देखेंगे, फिर कहाँ है देखेंगे, इस तरह से हमको क्या है बहुत ही समय लगेगा। तो इसको कहा जाता है अपरिष्कृत आंकड़े हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जैसे कि हम ये 50 परिवारों के खाने का जो मासिक व्यय जो है उसका पता कर सकने के लिए हम क्या करेंगे। अब जैसे 5,000 व्यक्तियों का भी कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे कबाड़ी वाले की भांति ही ये बहुत बड़ा ढेर है, बहुत बड़ा आंकड़ा जो हम इकट्ठित करते हैं वो कठिनाई होती है, वही चीज़ बताया गया है। और इसको जब हम कहते हैं कि अपरिष्कृत आंकड़ों का भंडार जो है बहुत बड़ा हो और आप उसको कोई सूचना प्राप्त करना चाहें, तो हम उसको ढूंढने में बहुत ही आसानी नहीं होती, इसमें बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होती है, जिसको कि एक थका देने वाला या उबाऊ, हम उस कार्य को बार बार करते करते थक जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि हम यदि इन आंकड़ों को व्यवस्थित करेंगे तो हम आसानी से उसको, अब इसमें भी हम देखेंगे आंकड़े व्यवस्थित नहीं हैं, अब इसमें भी हमें ढूंढने में क्या होगा, उबाऊपन लगेगा और कठिनाई लगेगी। एक लाइब्रेरियन भी क्या करता है, किताबों को एक व्यवस्थित रखता है, तभी हम जब लाइब्रेरी में जाते हैं हमको जिस सब्जेक्ट की बुक चाहिए होती है वह आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि वह क्या करता है व्यवस्थित करके या वर्गीकृत उनको बुकों को रखा हुआ होता है। जैसे कि इसपुर और स्मिथ के द्वारा भी कहा गया है कि संबंधित तथ्यों को व्यवस्थित जो व्यवस्थित करके वर्गों में प्रस्तुत करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे आंकड़ों का वर्गीकरण, क्योंकि हम आंकड़ों का वर्गीकरण करेंगे, जैसे पिछले उसमें हमने देखा अव्यवस्थित जो आंकड़े थे उनको संभालने में आसानी हो जाएगी और हमें भी समझने में आसानी हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, ये पुस्तक विषयों में जैसे इतिहास है, भूगोल है, गणित है, विज्ञान है, यदि हम इनको अलग अलग वर्गों में रख देंगे, जिस तरह से मैंने अभी लाइब्रेरी का उदाहरण दिया था, उसी तरह से हमें क्या होगा उस सब्जेक्ट को खोजने में आसानी हो जाएगी। फिर ठीक इसी प्रकार जो अपरिष्कृत आंकड़े जो हैं उनको हम विभिन्न तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कालानुक्रमिक या समयानुसार, समय अनुसार मतलब जिन आंकड़ों को हमने कब इकट्ठित किया। जैसे कि जनगणना होती है तो वह एक समय पर जनगणना होती है, जैसे 51 में हुई, फिर उसके बाद 61 में हुई, इस तरह से उस समय के आंकड़े और अभी के आंकड़े क्या है एक समय के अनुसार हम उनको रखते हैं, तभी हमें तुलना करने में भी आसानी हो जाती। जैसे कि हम वर्ष ले सकते हैं, तिमाही ले सकते हैं, मासिक ले सकते हैं और साप्ताहिक ले सकते हैं। अब इनको आरोही या अवरोही मतलब छोटे से बड़े की तरफ या बड़े से छोटे अंक की तरफ हम उसको पढ़ सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर क्या है, जनसंख्या एक काल श्रेणी है, जिस तरह से मैंने अभी आप लोगों को बताया ये एक निश्चित समय पर इसकी जनगणना होती है और पिछली जनगणना और अभी की जनगणना की हम तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। जैसे कि हम पिछली जनगणना की 51 से 35.7 जो था वह जनसंख्या करोड़ों में थी, उसके बाद फिर 61 में, फिर इस तरह से हम देख रहे हैं कि जनसंख्या जो है धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है और 2001 में जो 102.7 करोड़ की जनसंख्या हो गई है,
तो ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि हमने व्यवस्थित आंकड़े किए, उनको जमा कर रखा, इसलिए हमें पता चला। फिर उसके बाद हम देखेंगे भौगोलिक या स्थानिक वर्गीकरण। भौगोलिक मतलब हम किसी भी देश को ले सकते हैं, राज्य को ले सकते हैं, शहर को ले सकते हैं, गांव को ले सकते हैं और कस्बे को ले सकते हैं, इसलिए कहा गया है कि भौगोलिक स्थिति के आधार पर या स्थानिक आधार पर। इसमें हम देखेंगे कि जैसे यहाँ पर हमने देश लिया है ना, तो ये क्या हो गया? भौगोलिक आधार पर या स्थानिक आधार पर हो गया। यहाँ पर हम गेहूं की उपज देख रहे हैं, जैसे अमेरिका है ये 1925 किलोग्राम एकड़, और फिर उससे ब्राजील है, चीन है, भारत है, ये 862 किलोग्राम एकड़ उत्पादन कर रहा है। मतलब ये हम भौगोलिक स्थिति की हमें कैसे पता चला? क्योंकि हमने स्थानीय आधार पर उसको एकत्रित आंकड़े जो है एकत्रित किए। फिर यहाँ पर गुणात्मक वर्गीकरण। अब गुणात्मक वर्गीकरण क्या है? गुण के आधार पर उनको अलग अलग करना। अब जैसे यहाँ पर क्या है, इसकी विशेषता सबसे पहले जैसे गुणात्मक गुण के आधार पर ही समझ में आ रहा है। अब उदाहरण के लिए हम देखेंगे राष्ट्रीयता के आधार पर भी कर सकते हैं, साक्षरता, धर्म, लिंग, वैवाहिक स्थिति आदि के, मतलब इन ये गुण है एक तरह से, हम किस आधार पर उसको अलग अलग करके व्यवस्थित कर सकते हैं। और यदि उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर भी हम वर्गीकृत कर सकते हैं। फिर ऐसे आंकड़े जो वर्गीकृत करने के लिए गुणात्मक वर्गीकरण इनको कहा जाता है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पर हम लिंग के आधार पर एक सामूहित किया हुआ जब हम पाएंगे तो उसको कैसे हम वर्गीकृत करेंगे। यहाँ पर देखो ये जनसंख्या का दिया हुआ है, यहाँ पर हमने जनसंख्या को दो भागों में बांट लिया, पुरुष और स्त्री। अब इसमें पुरुष में भी हमने विवाहित अविवाहित अलग अलग कर दिया, यहाँ भी विवाहित अविवाहित अलग अलग कर दिया। इस तरह से ये क्या हो गया? गुण के आधार पर हमने इसको वर्गीकृत किया। उसी तरह से हम प्रथम चरण में यह वर्गीकरण की पहली विशेषता उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर पुरुष या पुरुष नहीं है, मतलब पुरुष और स्त्री के आधार पर किया। इसी तरह से हम यहाँ पर विवाहित या अविवाहित, दूसरी ओर ऊंचाई और भार, आयु, ये सबके आधार पर भी हम इनको अलग अलग कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने पिछले उसमें देखा था कि जो आंकड़े थे वो अव्यवस्थित थे, अब उन्हीं आंकड़ों को हमने क्या कर दिया है? व्यवस्थित कर दिया है। व्यवस्थित करने पर ये आंकड़े आप देखेंगे कि हमें आसानी से समझ में आ जा रहा है, 0 से 10 के बीच में 1 है, 10 से 20 के बीच में 8 है और 20 से 30 के बीच में 6 है। मतलब इस तरह से हमें जो है 100 छात्रों के जो आंकड़े हैं वो आसानी से हम छोटे से चार्ट में हम आसानी से उसको समझ पा रहे हैं कि 100 जो बच्चे हैं उनको कितने कितने अंक, कौन से अंक के बीच में कितने अंक उनको प्राप्त हुए हैं।